गुरुग्राम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। शराब पीने के दौरान एक मामूली झगड़े की रंजिश क्या किसी के दिल में ऐसी नासूर बन सकती है कि वो 3 साल बाद उसका बदला लेने के लिए हत्या की नीयत से उस पर फायर कर दे। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुरुग्राम के धनकोट इलाके से, जहां बीती 27 जनवरी को धनकोट के रहने वाले एक सुनील यादव नाम के युवक को 3 अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। गोली सुनील के सीने में और पेट में लगी, जिसके बाद उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी जान बचा ली गई। इस पूरे मामले में परिजनों ने शिकायत दी कि गांव का प्रदीप ही इस पूरे जो हमला हुआ है उसका मास्टरमाइंड है, जिस पर गुरुग्राम पुलिस ने पूरी जांच की और जांच के बाद गुरुग्राम पुलिस की सेक्टर 40 क्राइम ब्रांच ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जिसमें धनकोट का ही रहने वाला प्रदीप यादव, पलवल के रहने वाले पंकज और मनीष को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 3 पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और वारदात में इस्तेमाल की गई बोलेनो गाड़ी भी बरामद की है। और पुलिस ने ये खुलासा किया है कि 3 साल पहले प्रदीप और सुनील आपस में बैठकर शराब पी रहे थे, इसी दौरान दोनों के बीच कोई झगड़ा हो गया और सुनील ने प्रदीप को थप्पड़ मार दिया था। सिर्फ इस मामूली कहा सुनी की, इस मामूली झगड़े की इतनी गहरी रंजिश रखी गई कि 3 साल बाद प्रदीप ने अपने साथियों के साथ प्लानिंग करके सुनील यादव पर फायरिंग कर दी और उसकी मर्डर की प्लानिंग कर ली। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने पूरी जांच पड़ताल के बाद इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को अब गिरफ्तार कर लिया है। ये 27 जनवरी को धनकोट गांव में फायरिंग हुई थी, जिसमें एक सुनील यादव नाम के लड़के को सुबह 8:47 पे वो अपने घर से पालम एयरपोर्ट पे काम करने के लिए जा रहा था और रास्ते में एक बलेनो कार वालों ने उसकी कार को रोक के और उस पर फायरिंग की, जिसको 2 गोलियां लगी थी, एक छाती में और एक पेट में, जिसके संबंध में हमने राजेंद्रा पार्क पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर करके 307 के तहत और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिसमें हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने बड़ा बेहतरीन काम करते हुए उसमें शामिल 3 लोगों को अरेस्ट किया है, जो एक प्रदीप नाम का व्यक्ति उसी गांव का रहने वाला है और 2 उसके साथी हैं, मनीष कुमार और पंकज, ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। और इन तीनों ने मिलके इसकी हत्या करने के लिए ये फायरिंग की थी और इनसे हमने गिरफ्तारी के बाद 3 वेपन बरामद किए हैं, कुछ जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और घटना में जो प्रयोग की गई बेलनो कार थी वो भी बरामद की है। पूछताछ पे इन्होंने ये बात बताई है कि 3 साल पहले प्रदीप की और सुनील की आपस में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें सुनील वगैरह ने प्रदीप की पिटाई कर दी थी। इस बात को रंजिश रखते हुए उन्होंने उसका मर्डर करने की नीयत से उस दिन फायरिंग की थी। इनको हमने 3 दिन के पुलिस रिमांड पे लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले इनमें से एक लड़का पहले अरेस्ट हो चुका है वहाँ पे बाइक के उस केस में, चोरी में, और बाकी इनकी और हिस्ट्री पता की जा रही है, जैसी भी सूचना मिलेगी आपको अवगत कराएंगे। इसमें 3 ही लोग शामिल थे और ये जो हथियार थे वो ये यूपी से लेके आए थे, यूपी में बिसम्बरा गांव है, वहाँ से ये पंकज इनको वेपन दिला के लेके आए। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने इन तीनों को फरीदाबाद इलाके से गिरफ्तार किया है। एक सवाल ये भी है कि क्या आज के समय में सब्र की सीमा खत्म हो गई है कि 3 साल पहले एक मामूली सा झगड़ा हुआ और उसको सुलझाने की बजाय बल्कि किसी की हत्या की प्लानिंग कर दी जाए। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार।